हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे लिंग अनुपात किसे कहते हैं। लिंग अनुपात होता है यानी कि लिंग का अनुपात देखना। लिंग का अनुपात कैसे, जैसे कि लड़का या फिर लड़की का होना, तो 1000 पुरुषों पर महिलाओं की कितनी संख्या होती है, इसे ही लिंग अनुपात कहते हैं। पुरुष हमेशा 1000 ही रहेंगे, उन 1000 पुरुषों पर महिलाएं कितनी होंगी, उसे हम लिंग अनुपात कहेंगे। महिलाएं ज़्यादा भी हो सकती हैं 1000 से, कम भी हो सकती हैं। आम तौर पर तो हर देश में महिलाएं पुरुषों के मुकाबले कम ही होती हैं, और वजह आप सब जानते ही हैं कि सबको बहनें चाहिए, माँ चाहिए, वाइफ चाहिए, पर बेटी किसी को नहीं चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई देश है और उस देश में 5000 पुरुष रहते हैं और महिलाएं कितनी रहती हैं, महिलाओं की संख्या हम मान लेते हैं 4400। ठीक है, महिलाएं कम रहती हैं जैसे कि आमतौर पर होती ही हैं। तो अगर हम इन 5000 पुरुषों को अलग अलग करेंगे तो कैसे होगा, एक एक हज़ार करके हम इनको रखते हैं। ठीक है, 1000 यहाँ पर लिखेंगे तो अब ये हो गए 2000, 3000, 4000 एंड 5000, मतलब ये 5 जगह डिवाइड हो जाएंगे। वैसे ही हम महिलाओं को भी करेंगे, महिलाएं कितनी होंगी अगर हम इनको 5 से डिवाइड करेंगे, मतलब पुरुषों के मुकाबले पे हमें रखना है ना, तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे क्योंकि पुरुष 5 जगह हो गए एक एक हज़ार करके, तो ये आ जाएगा 4400 को 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 880 आ जाएगा, 880, मतलब प्रत्येक 1000 पर 880 महिलाएँ हैं, और यही इसको हम अनुपात कहेंगे। ठीक है, इसका मतलब 1000 पुरुष होते हैं तो उनके मुकाबले पर पूरे देश में 880 महिलाएं होती हैं, मतलब पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का अनुपात कम है, इसको कहते हैं अनुपात निकालना। अभी ये जो 1000 पर 880 है, इसको ही हम लिंग अनुपात कहेंगे। ये 1000 पर 880 अनुपात है और हर जगह पर इसी तरीके से निकाला जाता है। पुरुषों की संख्या हमेशा 1000 ही रहती है। ठीक है, अभी हम देखते हैं सन 1951 से और 2011 तक का लिंग अनुपात हमारे देश में कैसा रहा है। तो अगर हम देखें सन 1951 से, मतलब आज़ादी के टाइम से 2011 तक लिंग अनुपात, 1951 में अगर आप देखेंगे तो 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 946 है, मतलब करीब 50-55 कम है पुरुषों के मुकाबले। वहीं अगर आप 2011 में देखेंगे तो 2011 में भी ज़्यादा कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा है, बल्कि और कम हो गई है, 943 है। ठीक है, 943 महिलाएं हैं, मतलब उतना का उतना ही चल रहा है। और बीच के अगर हम साल देखेंगे तो सबसे कम 1971 में है, मतलब 1971 में महिलाएं बहुत ज़्यादा घट गई थी, 930 हो गया आंकड़ा। ठीक है, तो अभी भी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है, मतलब लोग इतना पढ़ लिख रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, फिर भी कोई खास फ़र्क नहीं पड़ा है। इसकी वजह क्या है, इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो है साक्षरता दर, मतलब पढ़ाई लिखाई की दर, कि हमारे देश में महिलाओं को कम पढ़ाया लिखाया जाता है, तो जैसा उनसे कह दिया जाता है वो वैसा ही मान लेते हैं। तो सबको बेटियां पसंद नहीं होती, वो मानते हैं कि दहेज देना पड़ेगा, ये वो बहुत सारी कुप्रथाएं हैं हमारे देश में इस वजह से। तो जहां जहां हम देखते हैं कि साक्षरता दर ऊंची है, मतलब पढ़ने लिख जहां पे लड़कियां अच्छे से पढ़ रही हैं, तो वहां महिलाओं की संख्या अच्छी खासी है। जैसे केरल में 1084 है, अगर हम पुडुचेरी में देखें तो 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1038 है, तो यहाँ पर भी संख्या बढ़ रही है, आंकड़ा ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर हम दिल्ली में देखें तो दिल्ली में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 866 है। मैं खुद दिल्ली में ही रहती हूँ, मुझे हंसी आ रही है ये आंकड़ा देख के, कि ऊपर अभी हमने पढ़ा कि साक्षरता दर इसका वो है, तो दिल्ली में पढ़े लिखे लोग नहीं है, इसका मतलब अनपढ़ है कि 866 है। हरियाणा में 1000 महिलाओं पर 877 हैं। इसका मतलब ये है कि साक्षरता दर इसकी एक वजह है, लेकिन पूरी वजह साक्षरता दर नहीं है, और भी बहुत सारी वजहें हैं, जैसे हमारी संस्कृति, हमारे हम जो चीज़ अपने बड़ों से सीखते हैं कि बेटी बोझ होती है, ये वो, बहुत सारे ऐसे घर हैं अभी भी जो बहुत पढ़े लिखे हैं, अच्छे खासे हैं, फिर भी बेटियों को पसंद नहीं करते, अच्छी बीवी चाहिए, ठीक है, बहन भी चाहिए सबको, बुआ भी चाहिए सब, लेकिन बेटी नहीं चाहिए। तो साक्षरता दर कहीं ना कहीं इसकी वजह है, लेकिन ओनली साक्षरता दर इसकी वजह नहीं है, इसकी बहुत सारी वजहें हैं। आई होप आपको लिंग अनुपात समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी अगर हम कहें कि एक शिक्षित और जागरूक नागरिक जो होता है वो स्पष्ट फैसले ले लेता है, और साक्षरता दर स्तर में जो कमी है वो इसका कहीं ना कहीं कारण है, और भी बहुत सारे कारण हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो और वीडियो समझ में आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें,
और किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइज़।